भारत सरकार की जितनी नौकरियां हुआ करती थी उनमें से 70% सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं 2021 आते आते, अब तो 24 चल रहा है। पंचायत में नगर निगम में जाने के रास्ते खुले, वैसे ही तमाम मुस्लिम समाज को रोकने के षड्यंत्र भी चालू हो गए और षड्यंत्र चलते चलते उस दिन वो षड्यंत्र और ज्यादा बढ़ गए जब 1975 में शेड्यूल ट्राइबल सब प्लान बना, 1979 में शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान बना और सरकारों में टोटल बजट का जनसंख्या के हिसाब से उनके परसेंटेज में जो प्लान फंड में जो उनको देना शुरू किया स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड और ट्राइबल सब प्लान फंड में, उसके बाद वो षड्यंत्र और ज्यादा तेज हो गया कि कैसे बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाए। नतीजा यह है कि पिछले 15 से 20 सालों में या ये कहें कि अब से 40 सालों में एक काम बहुत तेजी से हुआ। पहला तो ये कि 1950-60 के दशक में हमारे लोग जब शहरों में आए, सरकारी नौकरियों में फोर्थ क्लास में आए, तो लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इस बात को पल्ले से बांध लिया, गांठ बांध लिया कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, समाज को संगठित करना है और अपने हर अधिकार की लड़ाई को संघर्ष से जीतना है। तो पहले तो हमारे लोग फोर्थ क्लास में बड़ी मात्रा में भर्ती होना शुरू हुए, जो फोर्थ क्लास में भर्ती हुए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कुछ लोग क्लर्क बनने लगे अलग अलग विभागों में, रेलवे में, पोस्ट एंड टेलीग्राम में, तमाम तरह के विभागों में हमारी नौकरियों के अंदर लोग आने लगे। और फिर जो इंदिरा गांधी जी के समय पर, उससे पहले जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज हुआ करती थी, बनियों के हुआ करते थे, बनियों की इंश्योरेंस कंपनियां हुआ करती थी, इंदिरा गांधी जी ने उनका राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद बड़ी मात्रा में हमारे बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी के लोग और ओबीसी रिजर्वेशन मिलने के बाद ओबीसी के लोग बैंकों में और इंश्योरेंस कंपनियों में भी बड़ी नौकरियों में आने लगे, लाखों के मात्रा में आए। लेकिन हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते देख, लगभग अब से 40 साल पहले जो षड्यंत्र शुरू हुआ कि ये लोग अब पढ़ लिख कर आगे आने लगे हैं, नौकरियों में आने लगे हैं और कंपटीशन में भी अब जनरल के मुकाबले पे खड़े होने लगे हैं, तो कुछ लोगों को ये तकलीफ हो गई अगर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग इसी तरह पढ़ लिख कर आगे आते रहे तो उनके बच्चों के सामने मुकाबले पर बड़ा कंपटीशन खड़ा हो जाएगा और 90% बहुजन समाज के लोग हैं, जब ये 90% लोग पढ़ाई लिखाई का महत्व तो समझ लेंगे और ये अपना हक ले लेंगे तो फिर जो पूरे देश के संसाधनों पर और सरकारी नौकरियों पर जो 90% पर उनका कब्जा था, उन्हें वो कब्जा छीनने का डर लगने लगा, उन्हें लगा कि अभी तो नौकरियों के अंदर भी उन्हीं का कब्जा है और जब ये एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी भी नौकरी में आएगा तो जहां 70-80% पे उनका कब्जा था उसमें से 50% के आसपास एससी एसटी ओबीसी आ जाएगा, उनमें डर पैदा हो गया और डर की वजह से उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पहले तो जो प्राइमरी एजुकेशन था और सेकेंडरी एजुकेशन था उस पर हमला बोला, उन्होंने क्या किया एक एक करके सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए, एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और धीरे धीरे हालात ये हुए सरकारी स्कूल बंद होते चले गए। मैंने इस बात का पूरा डाटा निकाला
तो पता लगा पिछले 15 से 20 सालों में लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? जब देश की जनसंख्या कम नहीं हुई बल्कि दुगनी हो गई, तो सरकारी स्कूल दुगने होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सरकारी स्कूलों को एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया और कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खुलने शुरू हो गया। प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज्यादा कि बहुजन समाज के 98-99% लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते, और वो केवल प्राइवेट स्कूल खोलने और सरकारी स्कूल बंद करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसके साथ साथ देश के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां थी, जो पिछली सरकारों ने 100 के आसपास जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई थी, उनको धीरे धीरे सरकारों ने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, उनको बेचना शुरू कर दिया। और दूसरा, बेचा किसने? बेचा उन लोगों ने जो अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं, जो लोग मेरिट की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों में मेरिट नहीं होती। मैं उन मेरिटधारी लोगों से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर जितने प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उन सबके अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे या सीईओ थे, वो कौन सी जाति के थे? अगर उसका डाटा निकाला जाए तो 99.9% वही मेरिटधारी जाति वाले लोग उन कंपनियों के ऊपर बैठे थे। उसके बावजूद अगर वो कंपनियां डूब गई, सिक डिक्लेयर हो गई, वाइंड अप हो गई, प्राइवेटाइज हो गई, बेच दी गई, इसका मतलब उनके अंदर मेरिट नहीं है, वो नाकाबिल लोग काबिलियत की बात करके देश के सरकारी संस्थानों के ऊपर जाके उनको पहले वो घाटे में पहुंचाते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं ताकि SC ST OBC के बच्चे सरकारी नौकरी में ना आए। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों के हाथ से 80% सरकारी नौकरियां तो वो छीन ली है। और ऊपर से दूसरा खेल और खेला, एक तो प्राइवेट स्कूल खोल के इतनी महंगी फीस की, प्राइवेट स्कूल को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी स्कूलों में मेहनत मशक्कत करके पढ़ लिख के जब हमारे बच्चे 12वीं तक आ जाते हैं, तो हमारे बच्चों में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, काबिल बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनने का, जज बनने का, इंजीनियर बनने का, आर्किटेक्ट बनने का, वकील बनने का सपना देखते हैं, ब्यूरोक्रेट बनने का सपना देखते हैं। अब सवाल यह है कि जब वो 12वीं में पढ़ रहा है, अब बच्चे को आगे का तैयारी, पहले तो एडमिशन के लिए कोचिंग, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, लोकी हो या किसी और एग्जाम की, आजकल तो क्यूब भी चालू हो गया यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए, तो पहले तो उसको आगे का एडमिशन, हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन के लिए उसको कोचिंग चाहिए। और अगर मेडिकल इंजीनियरिंग या लॉ की एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोचिंग की बात करूं तो कम से कम 2-3 लाख रुपया तो कोचिंग के लिए चाहिए। अब वो कहीं से अरेंज करके कोचिंग ले भी ले और बच्चा काबिल है, कॉम्पिटेंट है, वो एग्जाम पास कर लेता है, अब उसको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, मैनेजमेंट में उसको एडमिशन ऑफर होता है, तो एक डिग्री कंप्लीट करने का 5 साल का और 4 साल का कोर्स पूरा करने के लिए न्यूनतम उसको 15-20 लाख रुपया चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में तो 98-99% ऐसे लोग हैं, माइनॉरिटीज में भी जो लोग ये हायर एजुकेशन का, ये जो टेक्निकल एजुकेशन का डिग्री कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए 15-20 लाख रुपया, वो उनके पास है ही नहीं। पैसे के अभाव में इन वर्गों के बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है। बहुत से लोग कहते हैं आप जहां भी जाते हो पूरे देश में यही बात करते हो, तो भैया मुझे बता दो ये बात मैं क्यों ना करूं? क्या ये जो समस्या मैं सामने रख रहा हूँ क्या इसका समाधान हो गया? अगर समाधान नहीं हुआ तो जब तक समाधान हो नहीं जाता, जब तक सत्ता से, सरकारों से समाधान करवा नहीं लेते, तब तक ये बात पूरे देश में बार 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 मैं बोलता रहूंगा और तब तक बोलता रहूंगा जब तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग और अन्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, जो हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है,
जब तक ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम सरकारें ना कर दे तब तक मैं लगातार बोलता रहूंगा, पूरे देश में जाकर लोगों को जागरूक करता रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये जो अभी जजमेंट आया 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि भाई कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने सारी सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी है तो फिर ये जजमेंट से निकलने वाला क्या है। मैं बिनाता आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। 2001 में भारत सरकार की जितनी नौकरियां हुआ करती थी उनमें से 70% सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी है 2021 आते आते, अब तो 24 चल रहा है। तो 70% नौकरियां तो पहले ही खत्म कर चुके, क्योंकि उन्होंने इंडियन रेलवे ज्यादातर बेच दिया। पहले कभी कभी कई कई साल में कोई रेलवे एक्सीडेंट सुनने को मिलता था, लेकिन अब तो हर दूसरे तीसरे दिन रेल एक्सीडेंट या पटरी से ट्रेन उतर गई, हर दूसरे तीसरे दिन मिलता है। पहले एक रेल एक्सीडेंट होने पर रेलवे मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, और आज इतने सारे रेलवे के एक्सीडेंट हो गए, गाड़ी पटरी से उतर गई, कुछ हो गया और रेलवे के मंत्री को शर्म भी नहीं आती इस्तीफा देने, तो बहुत दुख की बात है। इन्होंने बैंक भी ज्यादातर प्राइवेटाइज कर दिए, इंश्योरेंस कंपनियां ज्यादातर प्राइवेटाइज कर दी, एक एक करके इन्होंने पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, आईटीडीसी के होटल, बालको, नालको, यानी सब कुछ तो धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया। तो प्राइवेटाइज हो गया, नौकरी तो बची नहीं है, और जो बची है उसमें भी एक मैं बड़ा चमत्कारिक आपको आंकड़ा बताता हूँ। हरियाणा के, मैं हरियाणा का आपको एक वो देता हूँ एग्जाम्पल, उसी से पूरे भारत की तुलना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे पास डाटा पूरा है लेकिन एक एक स्टेट का बताऊंगा तो उसमें तो कई घंटे चाहिए, आप भी कहेंगे कि वो इतना टाइम नहीं है, फोन का भी कुछ टाइम होगा खाली करने का, तो मैं केवल एक स्टेट से पूरे देश की तस्वीर सामने रखूंगा। हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो लगभग लगभग 68 लाख है, 68 लाख के आसपास हरियाणा की टोटल अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, और अनुसूचित जाति की 78 जातियां है। अब ये जो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, अगर मान लो दो वर्ग बना दिए, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, अब दो वर्ग बना दिए, एक में मान लो 25 जाति डाल दी और एक में 53 जाति डाल दी, तो पहले तो जो प्रेजेंट का डाटा वो सुन लीजिए ताकि आपको पता लगे, हरियाणा में एक उनकी नौकरी के अंदर 78 जाति में से 17 जाति ऐसी है, 17 जातियों का एक आदमी भी ग्रुप ए की नौकरी में नहीं है। 17 जाति 78 में से ऐसी है जिनका एक आदमी भी ग्रुप ए की नौकरी में नहीं है, और 78 में से 14 जाति ऐसी है जिसका एक आदमी भी ग्रुप बी की नौकरी में नहीं है, 78 में से एक जाति ऐसी है जिसका एक आदमी, एक जाति ऐसी जिसका एक आदमी भी ग्रुप सी में नहीं है, और 78 में से 4 जाति ऐसी है जिसका एक आदमी भी आज की डेट में ग्रुप डी की नौकरी में नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, वर्गीकरण कर दो, मान लो कर दिया, वैकेंसी निकली तो एक एक वर्ग में, एक क्लास में जाति होगी मान लो, सपोज करो 78 में से एक में होगी 55 और एक में होगी 23, वैकेंसी निकली एक। मैं पूछना चाहता हूं उस एक एससी की वैकेंसी पे इन 78 जातियों में कैसे दोगे? 500 साल तक भी क्या 78 जातियों को कभी भाग मिल जाएगा? दूसरी बात, अगर मान लो इंजीनियर की वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की निकली, इसके लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट चाहिए, अब जिन जातियों में अभी तक एक भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं है और आगे इतना महंगी शिक्षा के पैसे के अभाव में और संभावना भी नहीं दिख रही, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाएगा, बताइए कि आने वाले 200 साल में जाके भी कभी उस जाति से कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब नहीं होगा तो वो क्या जेई बन पाएगा?
भाई आप सीधा सीधा सवाल जवाब देखिए, ये तोड़ने की साजिश है। क्यों बार बार कह रहे हैं कि उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप नौकरियां खत्म कर चुके हैं। ये तो आपने हमें लड़ाने के लिए किया है, नौकरी देने की इच्छा नहीं है आपकी। अगर आपकी नौकरी देने की इच्छा होती और आप उपवर्गीकरण की बात करें तो उससे पहले इस बात का इंतजाम करते कि जिन जातियों के पास, जिन लोगों के पास अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, तो पहले तो वो सरकारें उन जातियों के बच्चों के पढ़ने का फीस का इंतजाम कर दे, उनकी कोचिंग का इंतजाम।